अलीगढ़ के थाना कोतवाली चौकी तुर्कमान गेट मोहल्ला ट्रांसफार्मर वाली गली में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने ताला कारोबारी के घर में घुसकर हथियारों के दम पर लाखों रुपए लूटपाट की घटना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन करते हुए बदमाशों की तलाश करना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो अलीगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र के तुर्कमान गेट ट्रांसफार्मर वाली गली में रहने वाला तारिक अपने घर के नीचे तालों का कारखाना चलाता है, जबकि वह बीती रात अपने घर पर अपने जीजा के साथ बहन के रिश्ते को लेकर बातचीत कर रहा था कि तभी हथियारबंद तीन बदमाश घर में घुस आए और घर वालों को कमरे में बंद कर दिया। साथ ही उन्होंने तारिक से घर की चाबी कब्जे में लेकर यहां जमकर लूटपाट की। यहां जान जाने के डर से घबराए तारिक ने अपने घर के कीमती सामान को बदमाशों के हवाले कर दिया, जबकि यह लुटेरे धमकी देते हुए यहां से लगभग 60,000 नगद व सोना चांदी लेकर फरार हो गई। इधर इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए जल्द ही लुटेरों को पकड़ने की बात की है। खास बात यह है कि इस मामले में पुलिस बाइक पर बैठे तारिक से लूट होने की बात कह रही है। मेरी दावत थी साले का घर है मेरे का, तो मैं अनिरादा पर मेरी इनकी बच्ची ने मुझसे कहा फूफा जी आप आ जाओ, जब तक नहीं आओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक रिश्ते की भी बात चल रही थी, साले ने भी कहा हमारे ने कहा भाई आ जाओ जरा बात करनी है, तो मैं 10 बजे करीब आया। खाना आने से फारिग हुआ 11 समथिंग हो गए, फिर उसके बाद में ये आ गए बड़े साले साहब। उसके बाद में फिर उन्होंने बुलाया मुझे, बातचीत करने लगे हम। 12 का टाइम हो गया, मैं चलने लगा तो उन्होंने कहा बैठो अभी बात का हुई है, कैसे क्या करना है वो बताइए मुझे। तो मैंने बताया, तो इसी दरमियान 12:05, 12:07, 10 के दरमियान चार लोग करीब समथिंग आए और मेरे ऊपर उन्होंने गन तान दी, बिल्कुल गन रख रही मेरे ऊपर। वो चाबी दो कैश का चाबी, मैंने कहा भाई ये लोग कैश नहीं रखते हैं, ये लोग बिजनेसमैन आदमी है, कैश जो है इनका बैंक में रहता है, जो अब तुम्हें आपको चाहिए वो ले जाओ। तो उसमें वो सोने की अंगूठी थी, दो चैनें थी, मोबाइल थे चार, मेरी जेब में पैसे पड़े हुए थे 1,000 रुपये ऊपर, वो उन्होंने ले लिए। और क्या नाम है, उसके बाद में जो इनकी सब सामान की खगोरा खगाड़ी, और उन्होंने पूरी तरीके से देखने के बाद में मैं क्या इसमें चाटा मारा बड़े साले में, मैं उत्तेजित होने लगा। फिर मेरी बीवी की तरफ उन्होंने कहा उससे बंदे उतरवा लिए, फिर उसके बाद में मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया। जैसे ही गन वाला बंदा जो मेरे ऊपर रखा हुआ था वो अलहदा हट के गया, मैंने दूसरे बंदे को पकड़ लिया, उसमें हम दोनों ने मारपीट भी करी उससे। उसके बाद में जो वो उन्होंने एक फायर बाहर मारा, तो हम ये समझे कि मैंने कहा किसी बच्चे को इन्होंने मार दिया, उसके फायर मारा है, हालांकि उन्होंने फायर हवाई करा था। उसके बाद में वो लेके चले गए। हेलो, तो हम ये मशवरा कर रहे थे, टाइम जो भी हो हमारे सब हमारे का जो भी टाइम हो, तो वो मशवरा कर रहे थे। एकदम जो है आए तो एक लाइट हमारी बाहर की बुझी, जब बाहर की लाइट बुझी तो मैंने ये समझा कि हो सकता है कि सोना छाना की वजह से ये मसला है। तो वो जो है क्या नाम है उसका पहले पल्ले वाले कमरे उसमें गए, सामने वाले कमरे में, तो वहाँ वालदा वगैरह बहन वगैरह सब थी, तो वहाँ जाकर बहन के चाटा मारा और उससे क्या नाम है उसका बंदे बंदों की डिमांड करी, और क्या क्या जो है क्या नाम है उसका बाली यहाँ बाली उतरवाई थी और वो बंदों की। तो फिर जो है उधर से आने के बाद में 2-5 मिनट के बाद में वो इधर आए हमारी तरफ, तो आते ही सीधी बहनों के ऊपर पिस्तौल टाल ली, पिस्तौल टाल के गाली उतारी, वो अपनी करी वो कैश निकालो कैश और सोना के धरे सोना और कैश सोना और कैश, वो इस तरह से कहने लगे। तो हमने कहा भाई साहब कुछ भी नहीं है, तो इन्होंने कहा वो बैंक में है, तो फिर वो इनकी तरफ से पिस्तौल ला के फिर मेरे को उस पर रख दी उन्होंने। जब मेरे उस पर रख दी तो ये उसको उठने लगे, तो मैंने उनको इशारा किया या ये उसको पकड़ना चाहते थे या जो भी, तो मैंने उनको इशारा किया कि बैठ जाओ, मैंने जो इशारे से कर दिया कि नहीं। तो फिर वो जो है एक चाटा मारा उसने मेरे अंदर, जब उसने मेरे कान पर चाटा मारा तो मेरा कान मेरा सुन हो गया, और सुन होने के बाद में मुझे ऐसे लगने लगा कि फिर मेरे पीछे मैं बेड से लगा हुआ बैठूंगा, मेरे पीछे जाकर बेड का वो सरियाने खोल गए और उन्होंने सब चीज़ निकाल गए, एक उसमें से चैन निकाली बीवी की, अंगूठी निकाली और जो है क्या नाम उसका निकाले, और फिर उसने बैग में से 60,000 रुपये थे, तो बैग में से 60,000 रुपये निकाले, ये पैसे निकाल करके ले गया, ले गए वो, और बीवी का पर्स निकाला, बीवी के पर्स के अंदर 1700 रुपये थे, और बच्ची जो है हमारी 11-12 सौ रुपये उसके थे, उसको ईदी मिली थी नानी वानी नानी के यहाँ से, चचा बचाओ ने ईदी दी थी, वो पैसे भी ले गए उसके, और जो है गाली वो मारपीट और सीधा सीधा अबे फायर कर मार ये भेंट, जब तक
कैश नहीं देंगे, कैश लेकर लोन चाहिए करो। वो इस तरह का उन्होंने खूब वो किया सारा। तो वो बार बार जो पिस्तौल जिसके हाथ में थी वो कभी इधर भाग रहा था इस कमरे में, कभी इस कमरे में, कभी इस कमरे में। तो मैंने अपने बहनों को इशारा किया कि एक को तुम पकड़ो, एक को मैं पकड़ूँ। तो हम उन पर लपके, लपकने के बाद में एक बंदे को हमने अंदर बंद कर लिया। तो वो दूसरा वाला जो बंदा, उन्होंने गोली मारी। तो जो पल्ले कमरे में हमारी वालदा वगैरह थी, छोटे की मिसेज और बहन थी, उन्होंने कहा जैद की गोली मारती, जैद की गोली। वो जैद हमारा छोटा वाला बच्चा है। तो हम ये समझे गोली मारती। तो हमने उसको जो है छोड़ करके हम अपने बच्चे की तरफ भागे। तो वो जो है सारे के सारे मैं थानापुर वाली क्षेत्र में मोहम्मद तारिक ने एक सूचना दी थी, लेकिन वही सूचना दिया है कि उसके साथ आ रहा था कहीं से तीन मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उसके साथ में पैसा उसके पास नहीं था, वो छीन ले गए हैं। इसके संबंध में थाना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उसमें हमें कुछ क्लू मिले हैं, टीमें लगी हैं, जल्दी इसमें हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और घटना खुलासा कर लिया जाएगा। थैंक यू। सूत्रों के माने तो अज्ञात बदमाशों ने पिछली रात जिस परिवार में लूटपाट की है वो लोग प्रमुख समाजसेवी गुलजार अहमद के करीबी हैं, जबकि यहां पर घटित हुई घटना की कुछ तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। तब इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए इलाका पुलिस आखिर कितनी जल्दी बदमाशों को गिरफ्तार कर पाएगी, ये देखना अभी बाकी है। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट।